ये चॉपर बहुत ही यूज़फुल है और ये बहुत ही काम का चॉपर है। आजकल ये हर घर में होता है, चाहे आप देश में हो या देश के बाहर, आपको लगभग हर घर में ये चॉपर मिल ही जाएगा। और ये सब्जियों को भी इतना बारीक कट करता है जिससे हमारे किचन का काम बहुत आसानी से हो जाता है और इसकी जगह किसी और ग्राइंडर की जरूरत भी नहीं पड़ती। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगर प्रियंका यूएसए हैशटैग कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस चॉपर का डोरी टूट गया है और अब मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चॉपर कई ब्रांड में मिल जाता है। मेरा ये चॉपर पिजन ब्रांड का है और इसमें ये साइड साइड में इसके एक ढक्कन में होल बना हुआ है जहाँ से मैं इसे ओपन कर पा रही हूँ। इसको मैं एक स्पून की सहायता से ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए ये आसानी से ओपन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अंदर से ये डोरी टूट गई है जिसकी वजह से ये चॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इस डोरी की जगह नई डोरी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये टूट गया है, अब ये किसी काम का नहीं है, तो इसे मैं निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि इस ढक्कन में सबसे ऊपर ये कैप लगा है जिसे पहले मैं निकाल दूंगी और इसके अंदर ये दो नट बोल्ट लगे हुए हैं। मैं इस नट बोल्ट के साथ इस कैप को हटाने की कोशिश करी लेकिन ये हटा नहीं, तो अब मैं स्टोरी को निकाल रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ से स्टोरी को निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड से नई डोरी को लगाना है। ये डोरी अब यूज की नहीं है क्योंकि यहाँ से टूटी हुई है। इस वाइट डोरी की जगह मैंने इस सूलेस को लिया था लेकिन ये ज्यादा मोटा है। आप चाहे तो कोई पतला सूलेस ले सकते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए मैं इसकी जगह अब दूसरी डोरी लूंगी और इस वाइट वाली डोरी को पूरा निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए इस समय मेरे पास यही ब्लैक वाली डोरी अवेलेबल है और ये भी बहुत मजबूत है। कोई मजबूती डोरी लेनी है जो टूटे नहीं। अब मैं इस ब्लैक डोरी को इस होल की सहायता से इसके अंदर डाल दूंगी। ये व्हाइट वाला नट बोल्ट निकला नहीं है, अगर ये निकल जाता तो बहुत आसानी से काम हो जाता। अब इसमें मैं एक मजबूत सा नॉट लगा दूंगी जिससे ये इसके बाहर न निकले होल के। और जो ऊपर से एक्स्ट्रा है उसे एक सीजर से कट करके निकाल दूंगी। ये देखिए ये अच्छे से फिक्स हो गया है। इस बात का ध्यान देना है जो इसमें छोटे छोटे दो नट बोल्ट है वो खोने नहीं चाहिए। अब इस डोरी को जिस तरफ से मैंने व्हाइट वाली डोरी निकाला था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लपेट दूंगी। मेरे इस पिजन वाले चॉपर में जो ये बड़ा सा गोल सा व्हाइट कलर का बोल्ट लगा है वो निकल नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया। इस डोरी में मैंने सुई धागे को डाला और इस होल में डाल के अब इस डोरी को बाहर निकाल दूंगी। आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी आसानी से इस होल से बाहर निकल गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो छोटे जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको वैसे ही लगा देना है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और अब इस रस्सी को मैं इस होल्डर में डालूंगी, तो इसमें भी एक छोटा सा नॉब लगा है उसे निकाल के और इसके होल में मैं इसको डाल के इसको नॉट लगा दूंगी। ये चॉपर बहुत ही काम का होता है। अगर आपका चॉपर भी ऐसे ही उसकी रस्सी टूट गई है तो आप भी मेरे इस तरीके से उसको वापस से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस डोरी को इस होल में से निकाल के बाहर और इसको अच्छे से बांध दूंगी। अभी मैं इसमें पूरी तरह से नॉट अच्छे से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी ये रस्सी ढीली है, इसको अंदर से पूरी तरह से टाइट करना है। आप देख सकते हैं कि ये रस्सी अभी पूरी तरीके से टाइट नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्क की सहायता से इसको अच्छे से लपेट दूंगी। चॉपर में एक्स्ट्रा डोरी की जरूरत नहीं है, होल्डर पूरी तरह से डोरी से अटैच होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डोरी मैंने अच्छे से लगा दी है और अब मैं स्क्रू को भी देख लूंगी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद इसके ऊपर से इसका व्हाइट वाला ढक्कन लगाऊंगी।
और अब इसके कवर को इस निशान को देखते हुए इसे अटैच कर दूंगी। बस निशान को देखते हुए इसको अच्छे से बंद करना है, तो ये बहुत आसानी के साथ बंद हो जाएगा। और अब मैं रस्सी को अच्छे से होल्डर में फिक्स करूंगी। ये पूरा होल्डर इस ढक्कन से अटैच होना चाहिए, सटा होना चाहिए। तो यहाँ स्टोरी को मैंने इस होल्डर से निकाल दिया है और इसे अब मैं फिर से अटैच करूंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देख के बनाएंगे तो ये ज़रूर से अच्छे से बन जाएगा। तो अब देखिए, मैंने इसमें से फिर से स्टोरी को निकाल लिया है और इसे अब अच्छे से नॉट लगा दूंगी। नॉट आपको थोड़ा सा मोटा रखना है जिससे ये इससे निकले नहीं बाहर। ये चॉपर कई ब्रांड में मिलता है, लेकिन सब में डोरी लगाने का लगभग सेम ही प्रोसेस है। तो देखिए, इसमें डोरी अच्छे से लग गई है। अब मैं इसका कैप लगा के इसे बंद कर दे रही हूँ। और ये देखिए, हमारा चॉपर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे चला के भी देख रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन एक बार इसमें कुछ कट करके देखते हैं तो पता चलेगा ये बिल्कुल परफेक्ट बना है या नहीं। तो चलिए, इसमें कुछ ऑनियन कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनियन के बड़े स्लाइस लिए हुए हैं और इसे अब मैं इसमें डाल के चॉप करती हूँ और देखती हूँ कि ये अच्छा कट कर रहा है या नहीं। ये चलाते हुए मुझे बहुत स्मूथ लग रहा है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से चॉप भी कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं चलाते हुए भी आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट, कितने अच्छे से महीन चॉप हुआ है। तो मैंने अपने चॉपर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से काम भी कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।